Hi everyone, this is Saurabh Golui. You are watching Cardinal Adventure. And you can see how Gulmarg is look like after a continuous snowfall for 2 days. हम लोग 5 दिनों से गुलमर्ग में स्की सीख रहे हैं एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर ए ब्राइट सन स्काई एंड आवर प्लान इज टू टेक ऑन फेज 1 फर्स्ट टाइम इन माई स्कीइंग करियर। और अगर आप प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू सी द प्रीवियस वीडियो। And ultimately on the 6th day the weather gets clear, superb clear. It is mesmerizing, it is memorable. It is Gulmarg. वेदर क्लियर होते ही हम लोग निकल पड़े गुलमर्ग गंडोला की ओर, जो कि एशिया का हाईएस्ट और वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट केबल कार है। गुलमर्ग गंडोला 2 फेज में डिवाइडेड है। फेज 1 में नीचे स्टार्टिंग पॉइंट से, जो कि 8530 फीट की ऊंचाई पर है, वहां से कंगडोरी माउंटेन तक जाता है, जो कि 12293 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। एंड फेज 2, जो कि कंगडोरी माउंटेन से अफरबत पीक तक जाता है, जिसका हाइट है 13780 फीट। हमारे प्लान था डे पास करवाने की, जो कि करीब 750 रुपये पड़ता है, और हम लोग दिन भर स्की करेंगे टॉप टू बॉटम, फेज 1 से नीचे गंडोला की स्टार्टिंग पॉइंट तक, और फिर से गंडोला पकड़ के ऊपर फेज 1 तक जाएंगे स्की करके नीचे आने के लिए। पंचल माउंटेन रेंज का कंगडोरी माउंटेन और अफरबत माउंटेन पीक, इसे आप सामने से देखोगे तो आपको बाखूबी मालूम पड़ जाएगा व्हाई इट्स कॉल्ड हेवन ऑन अर्थ। बारह मिनट की रोपवे जर्नी खत्म होने के साथ साथ हम पहुंच गए फेज 1 पर और रेडी हो गए 5 दिनों से ट्रेनिंग सेशन पे सीखा हुआ सारे स्किल्स को प्रैक्टिकली ट्राई आउट करने के लिए।
मेरा इंस्ट्रक्टर, मेरा ट्रेनर, मेरा भाई सौकत भाई ने पूरा रास्ता मुझे इंस्ट्रक्शन देते रहे और गाइड करते रहे थ्रू आउट द टाइम। I can't explain the beauty, the charm in words. The course of the ski is enthralling, astonishing. If you want to feel this, you have to come by yourself. Definitely, you can't take this feeling in any other way. एंड इट इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू यू कि अगर आप गुलमर्ग आ रहे हो स्कीइंग के लिए देन यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट सौकत भाई एंड उमर भाई ऑफ गुलमर्ग स्की सेंटर एडवेंचर्स। दे कैन हैंडल ऑल ट्रांसपोर्टेशन, स्टेज एंड ऑफकोर्स अ ग्रेट स्कीइंग एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
और अल्टीमेटली हम लोग नीचे तक पहुंच गए। नीचे तक पहुंचने में हम लोगों को करीब 20 मिनट का समय लगा और फिर से हम लोग गंडोला पकड़ के ऊपर तक चले गए एंड वी कंप्लीटेड 4 रन्स ऑन द सेम डे। की सेशन ख़त्म करके हम लोग फेज वन पर लंच करें सीनिक ब्यूटी का आनंद लेते हुए। एंड द नेक्स्ट डे वॉज द लास्ट डे ऑफ आवर जर्नी इन गुलमर्ग और उस दिन भी हम लोग कोई मौका नहीं छोड़े गुलमर्ग को एक्सप्लोर करने के। और नेचर भी जैसे हम लोगों को अलविदा कहते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट तक चले आए हम लोगों के पीछे पीछे।